सलमान खान ने बोला था मेरे को सयाजी होटल में कि तुम्हारे दोनों पोती की शादी होगा, मैं मदद करूंगा। मेरी आशा है तो आपको मदद हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप है ना वहाँ से रिहा हो जाओगी। जब मैं खुशी मनाऊंगी आपके लिए कि मेरे सलमान खान रिहा हो गए, और आपकी इच्छा हो तो गरीब लोगों की मदद करो। कई लोगों की आप मदद करिए अपने गरीब लोगों की, तो मेरी इतनी आशा है कि मैं दाई माई आपको याद कर रही हूँ। आपकी इच्छा में मदद करो तो मेरे दोनों पोते की शादी करवाना चाहती हूँ मैं, तो आज मैसेज देना मेरे ऊपर कि मैं आके आपको बम्बई भी मिलूँ आके। मैं जाना देंगी मेरे को, सब बोलते हैं मेरे को स्टाफ के लोग कि तुम बम्बई चले जाओ रुक्मणी भाई, कि तुमको सलमान खान जरूर मिलेंगे, तुमको जरूर बुलाएंगे। पर उनके क्या पता अंदर गार्ड खड़े रहते हैं, उनके फैमिली मेरे को भी पहचाने कि नहीं पहचाने, बहुत साल हो गए मेरे को। उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, उनके नाना नानी भी बहुत अच्छे, दादा दादी अच्छे, उनका चाचा जी थे पठान करके थे, वो भी बहुत अच्छे। वो तो शांत हो गए अभी, वो तो है ना अपने कल्याण मंडल से पीछे मकान था पठान साहब का, मेरे को भी याद करती हूँ। मेरे को ये दुआ है मेरे के शाम पड़े पहले मेरे को उनके रिहा होने से मेरी खबर आना चाहिए। मैं हनुमान जी मंदिर को 5 नारियल चढ़ाने के लिए बोले माना है मैंने हनुमान मंदिर को, हनुमान जी को मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा जरा हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ मेरा, तो मेरा इसलिए बोलने में मेरे थोड़ी अटक रहा मेरा। अभी 2-3 दिवाली के पहले मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, मैं मरने मरने बची हूँ। सबने बोला कि तुम उनको फोन करो, तुम्हारा ऑपरेशन का मदद करेंगे वो, पर मैंने बोला कि नहीं मेरे बेटे ने वो नहीं कर रहे, तो कभी वो करें नहीं करें इनकी इच्छा ऊपर है। मेरी बेटी के पोते के लिए मेरी मदद करेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, तो मैं वही उनके रात दिन दुआ करती हूँ, अल्लाह के नाम से दुआ करती हूँ, हनुमान के नाम से मैं आपको दुआ करती हूँ। मेरी इच्छा शाम पड़े मेरी इनकी खबर आते मैं पास नारियल चढ़ाना कि मेरा मान करिए मैंने आपके लिए।